today I will share the perfect recipe of this chicken roast, crispy, tender and juicy. ऐसे क्रिस्पी रोस्ट बनाने के लिए इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स शेयर की जाएंगी, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी टिप मिस ना करें। यहाँ पे हमने दो चिकन ली हैं, टोटल 24 पीसेस हैं और हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश करके एक बाउल में रख दिया है। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 4 टेबलस्पून सोया सॉस, फिर हम डालेंगे 3 to 4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून विनेगर, फिर हम डालेंगे चिली सॉस 2 टेबलस्पून, फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स में चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सारे स्पाइसेस ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। हमें मैरिनेट करने के बाद हमें एटलीस्ट चिकन को 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम रखना होगा ताकि हमारी चिकन जूसी और टेंडर बने। अच्छा होगा कि आप इस चिकन को फ्रिज में रखें। ब्रोस की कोटिंग के लिए हम लेंगे 3 कप्स कॉर्नफ्लावर, 1.5 कप मैदा, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड ब्लैक पेपर टू टेस्ट। अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए 5 आवर्स हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम चिकन के पीसेस को साइड पे कर देंगे ताकि जो मैरिनेटेड वाटर है वो नीचे रह जाए और ये वाटर हमें कोटिंग करने में काम आएगा। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चिकन का एक पीस लेंगे, उसको हम ड्राई फ्लावर में कोट करेंगे, फिर हम मैरिनेटेड वाटर में डिप करेंगे, फिर हम दोबारा ड्राई फ्लावर में अच्छी तरीके से कोट करेंगे। चिकन के हर जगह फ्लावर कवर हो जाए। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फिर ऐसे ही तरह हम सारे चिकन करेंगे। सबसे पहले ड्राई फ्लावर में इसको कोट करना है, फिर हम इसको मैरिनेटेड वाटर में डिप करेंगे, फिर वापस हम ड्राई फ्लावर में अच्छी तरीके से कोट करेंगे। पूरी चिकन कवर्ड हो जानी चाहिए ड्राई फ्लावर से। इसी तरह हम सारे चिकन को ऐसे ही कोट करते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। चूल्हे की फ्लेम हमें मीडियम में रखनी है, ना ही ज़्यादा लो और ना ही ज़्यादा हाई। अगर लो फ्लेम में रखेंगे तो हमारी चिकन की कोटिंग निकल सकती है। एक टाइम पे हमें 4 to 5 पीसेस चिकन के रखने ताकि हमारी चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो। अब हमारी चिकन को फ्राई होते हुए 5 to 7 मिनट्स हो गए हैं। अब हम सारे पीसेस को आहिस्ता आहिस्ता टर्न करेंगे। जब आप देखें कि चिकन थोड़ी लाइट गोल्डन कलर की हो गई है, जब हम इसे फ्लिप करेंगे और एक ही मरतबा करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी 5 to 7 मिनट्स फ्राई करेंगे। अब हमारे रोस्ट फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया।
अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी चिकन के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म क्रिस्पी ब्रोस्ट फ्राई हो चुके हैं। आप इसे रायता, केचप और फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व कीजिए। चाहे तो बन के साथ भी कर सकते हैं। आपको आज की मेरी वॉइस ओवर के साथ रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शेफ सिस्टर्स।